नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रायसन और मेरे चैनल से गुजरने के लिए आपका धन्यवाद। और आज इस वीडियो में आपका टाई कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सा भी टाई बांधने से पहले आपको अपना कॉलर जो है और शर्ट का इसे ऊपर निकालना है, और इसे ऊपर निकाल के ये इधर बटन जो रहता है ये बटन आपको डालना है। तो बटन डालने के बाद आपका कुछ ऐसा दिखेगा। तो बटन डालने के बाद ये रहा आपका टाई। तो ये टाई के दो साइड्स रहते हैं, ये है आगे वाला साइड जो सबको दिखेगा वो, और ये है पीछे वाला साइड जो नहीं दिखेगा वो। तो इसका डिफरेंस आप ऐसे मालूम कर सकते हो, इधर आप देख सकते हैं, ये है आगे वाला साइड और पीछे वाले साइड में ऐसे ये स्टिच किया हुआ रहेगा। ये मोटा वाला जो टाई का पार्ट है जो सबको दिखेगा ऐसा होगा वो आपको अपने राइट साइड में ऐसे डालना है। तो मोटा वाला टाई का पार्ट राइट साइड में और पतला वाला जो है वो लेफ्ट साइड में। तो ये टाई का लेंथ आपको आपके हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये पतली साइड जो है वो हमेशा आपको ऐसे ऊपर रखनी है, ऐसे रखनी है, और जो मोटी साइड है वो लंबी छोड़नी है। तो ये टाई आपका ये पॉइंट जो है ये आपको आपके बेल्ट को टच होना चाहिए, इतना आपका लेंथ होना चाहिए जब आप टाई बांधते हो तब। तो अब मैं ये बांध के आपको दिखाऊंगा, पहले टाई कैसे बांधते हैं वो देखते हैं। तो टाई की फ्रंट साइड जो है वो मैंने आगे कर दी है, तो ये पतली साइड जो है वो मैं थोड़ी ऊपर ही रखूँगा, और ये पहले मैं क्रॉस करूँगा ऐसा। ऐसा क्रॉस करने के बाद आपको ये टाई का जो मोटा हिस्सा है वो ऐसे ऊपर निकलना है इस होल में से। तो इस होल में से ये बाहर निकला, तो अभी मैंने मोटा हिस्सा है वो इधर से बाहर निकाल दिया है, और इधर आप देख सकते हैं ये हो गए मेरे दो साइड्स। अभी मेरा मोटा साइड है वो ये साइड आ गया, और ये पतला मेरे हाथ में है। तो ये मोटी साइड जो है वो पतले के नीचे से निकाल के मैं ये साइड लाऊंगा, और जैसे आपने निकाला था वो साइड से आपको अभी वापस डालना है। अभी ये देखिए ये पीछे की साइड है, पीछे की साइड से मैं ऐसे नहीं डाल रहा हूँ, ये साइड से डाल रहा हूँ ऐसे। तो टाई आपको खींचना है ऐसा, इधर आप देख सकते हैं ऑलरेडी शेप हमें मिल गया है। बाद में ये टाई जो है इधर आप देख सकते हैं ये पीछे की साइड है। तो ये टाई आपको इसे पूरा राउंड लेना है, और इधर आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसा राउंड लेने के बाद इधर ये होल जैसा रह गया है। तो इससे आपको ये मोटा वाला टाई का साइड जो है वो इस साइड से बाहर लाना है, और इस होल में से ऐसे बाहर निकालना है, और बाद में थोड़ा खींचना है। तो थोड़ा खींचने के बाद ये आप थोड़ा ऐसे खींच सकते हो, इधर ये डिंपल आना चाहिए। कुछ लोग ये डिंपल निकालते हैं, लेकिन ये डिंपल ऐसा आना चाहिए। और बाद में ये आपकी पतली वाली साइड है टाई की, उसको ऐसे आपको एक हाथ से पकड़ना है, और एक हाथ आपको ऐसे टाई को पकड़ना है, और इसको ऐसे पकड़ के रख के आपको ऐसे खींचना है ऊपर। तो जितना टाइट आपको करना है वो आप कीजिए। टाइट करने के बाद आपको अपना कॉलर जो है ऐसे फोल्ड करना है, और आपका ये पतला पार्ट जो है वो कुछ लोग ऐसे अंदर डालते हैं शर्ट के, या ये लूप दिया हुआ है इस लूप में भी आप डाल सकते हो। तो ये हो गया मेरा टाई बांध के। अब इस शर्ट को इधर ये दोनों साइड्स में ऐसे बटन्स दिए रहते हैं, अगर आप टाई बांधते हो तो ये दोनों बटन्स आपको डालने हैं। तो पहले मैं ये बटन्स डालूंगा। ये डाल दिए मैंने दोनों बटन्स, और ये मेरी टाई नॉट अभी फिक्स हो गई है।
तो टाई का लेंथ जो है वो इधर आप देख सकते हैं, ये मेरा टाई का लेंथ, और ये टिप जो है टाई का, वो बेल्ट को आपका जस्ट टच ऐसा होना चाहिए। ये आपका बेल्ट है तो ये बेल्ट को ऐसे जस्ट टच होना चाहिए। तो ये है करेक्ट लेंथ। तो जब आप टाई बांधते हो तो आपको इतना लेंथ आपको टाई को रखना है। कुछ इतना छोटा करके डालते हैं, कुछ इतना लंबा करके रखते हैं। तो ये है एक टाई का करेक्ट लेंथ। तो अगर आपका टाई एक इतना छोटा होता है तो पतला वाला जो साइड होता है टाई का वो आपको और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और मोटा वाला है वो और इस साइड नीचे लाना पड़ेगा। और अगर आपका टाई ज़्यादा लंबा हो गया है तो पतली वाली साइड इस साइड ज़्यादा नीचे रखिए और मोटी वाली साइड जो है वो थोड़ा ऊपर लाइए। तो ऐसे आपको अपना टाई एडजस्ट करना है।